Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahi Kareem. Ye problem differential equation ke partial differential equation of first order chapter se hai. Find general solution of x square p plus y square q is equal to x plus y multiplied by z. तो सबसे पहले तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिखेंगे. मीनिंग वी हैव, हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड. फिर इसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लैग्रेंजिस एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे. तो हियर लैग्रेंजिस एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, सहायक. इक्वेशंस आर, इन्हीं में इक्वेशंस मिलेंगी. और देखिए जो पी लिखा हुआ है उसकी जगह पर डी एक्स लिखें और पी का जो कोफिशेंट है उसे अपान में कर दें, इक्वल का साइन लगाएंगे. और क्यू की जगह पर डी वाई लिखेंगे और इस क्यू का जो कोफिशेंट बाई स्क्वायर है उसे अपान में पहुंचा देंगे. और राइट हैंड साइड में जो भी है उसको अपान में पहुंचा देंगे हम, यानी डी जेड लिखने के बाद अपान में एक्स प्लस वाई और जेड. तो इस तरीके से हमें लैग्रेंजिस एक्सिलरी इक्वेशन मिल चुकी है. इसको हम इक्वेशन नंबर टू डालेंगे और इस इक्वेशन को मैं दो बार ये दो दो फ्रैक्शन लेके इक्वेशन बनाते हुए इसको मैं सॉल्व करना होगा और फिर हम इसका जनरल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहले दो मेंबर लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन लेंगे. तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, शुरू के दो मेंबर्स ले लेंगे ये, तो हमें मिलेगा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपान वाई स्क्वायर. और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि चूँकि वेरिएबल सेपरेट हैं, डी एक्स इधर है उधर एक्स के टर्म में और इधर डी वाई उधर वाई ही के ही टर्म है, तो ऐसे केस में से आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ऑन इंटीग्रेशन. तो इसे इंटीग्रेट किया और तो मिलेगा यहाँ वन का इंटू मान सकते हैं, वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स और वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई. वन अपान इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी एक्स की माइनस के टू और ऐसे यहाँ पर पावर हो जाएगी माइनस के टू. और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स जितनी पावर होगी इसमें एक ऐड हो जाएगा और अपान में भी वही वैल्यू आएगी. ऐसे राइट हैंड साइड में भी इतना ही कर देंगे और एक कॉन्स्टेंट इसका फार्म भी हो सकता है हमें चेंज करना पड़े हो, तो इसलिए हम इसको फार्म को सी डैश लिख देते हैं, बाद में सी वन डाल देंगे. इसमें पावर देखिए माइनस वन हो जाएगी, माइनस टू प्लस वन का डिफरेंस, अपान में भी माइनस वन है और ये वाई की पावर माइनस वन अपान माइनस वन प्लस का सी डैस. इसे पावर को प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे, माइनस शुरू में लिख देंगे, माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा, एक्स पावर वन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही माइनस वन अपान वाई हो जाएगा सेम लॉजिक प्लस का सी डैस. अब हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएँ तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का वन अपान एक्स और प्लस का वन अपान वाई इज इक्वल टू सी डैश. आप चाहें एक्स को प्लस में करना तो माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा वन अपान एक्स प्लस का और हो जाएगा वन अपान वाई माइनस और जो सी डैश है वो माइनस हो जाएगा. अब इस माइनस के सी डैश को हम लेट कर लेते हैं कि सी वन है, तो इस तरीके से हमें वन अपान एक्स माइनस वाई वन अपान वाई इज इक्वल टू सी वन मिल जाएगा. आप चाहें तो इसको सी मानते हुए सी वन मानते हुए आप इस वन अपन बाई माइनस वन अपन एक्स भी लिख सकते हैं, यानी इतना भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. लेकिन आंसर हो सकता है आपकी बुक से ना मिले और उस हो सकता है कि उस तरीके से आंसर दे रखा हो, तो आप जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं, बस उसमें कोई गलती नहीं है. अब हम लोग जो इक्वेशन नंबर टू था उससे हम दूसरा रिलेशन निकालेंगे. पहले तो हमने इन दो को लेके सॉल्व किया, लेकिन हम देख रहे हैं अब
क्योंकि दो को लेके सॉल्व नहीं हो सकता, होने मुश्किल पड़ेगा या नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि एक्स वाई भी है, दोनों ही है एक्स वाई, और ऐसे केस में जो है जेड डी जेड के साथ में जेड है, लेकिन यहाँ पर दोनों को ही हमें इसमें शामिल करना होगा। तो इन तीनों को ही शामिल करके हम इसमें इसको इंटीग्रेट करके कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी फार्म में निकाल लगा सकते हैं जिससे हम इसे इंटीग्रेट कर सकें आसानी से एग्जैक्ट बनाते हुए। इक्वेशन नंबर टू को बुला लीजिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ डिनोमिनेटर में, तो इसे एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और एक जो है एक्स अपान में है उसे ऊपर ले जाएँ डी एक्स के साथ में, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर टू को, वन अपान एक्स इन डी एक्स अपान एक्स, क्योंकि अगर एक्स इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स नीचे आएगा तो इसका इंटू होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वही एक्स स्क्वायर लिखा था, इसको हम वन अपान एक्स को ऊपर ले गए। ऐसे ही हम सेकंड टर्म में करेंगे, वन अपान वाई डी वाई अपान में ये वाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर था, वाई इधर और एक वाई ऊपर पहुँचा दिया। और यही काम हम यहाँ पर जेड के साथ में भी करने वाले हैं कि जेड जो है उसको हम डी जेड के साथ ऊपर ले जाएंगे, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं वन अपान जेड डी जेड, और अपान में सिर्फ रह जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि जेड को हम डी जेड के साथ ऊपर इसको दे दिया है एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसमें कुछ प्रोपोर्शन का मल्टीप्लायर चुने कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, तो देखेंगे अगर एक्स प्लस वाई ये ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें वन वन मल्टीप्लाई ले लें और उसका माइनस वन ले लें, तो ऐसे में इनका सम अब डिनोमिनेटर का ज़ीरो हो जाएगा, तो इसी के सामने लिख देंगे। तो इनको तो हम जिस तरीके से हम यहाँ डिनोमिनेटर में करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लायर अगर हम वन ले लेंगे, इसमें वन ले लेंगे और यहाँ पर माइनस वन ले लेंगे, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जो काम हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में किया है ऐसे ही न्यूमरेटर में करना होगा, यानी यहाँ पर वन से इंटू मतलब यही चीज़ लिख दें, वन अपान एक्स इंटू डी एक्स, यानी वन से इंटू कर दिए यहाँ पर, ऐसे वन से इंटू करके यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा वन अपान बाई डी वाई, और यहाँ पर माइनस वन से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपान जेड डी जेड। अब हर एक फ्रैक्शन जो है वो इसके बराबर है, तो आप कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं या सभी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर लिख दें ईच फ्रैक्शन, ताकि ज़्यादा ना लिखना पड़े, और वो वैल्यू अपान में देखिए एक्स बाई और ये माइनस एक्स माइनस वाई कैंसिल होके ज़ीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वन अपान एक्स डी एक्स प्लस वन अपान वाई डी वाई और माइनस वन अपान जेड डी जेड, और ये ज़ीरो का इंटू या कोई भी फ्रैक्शन हो यहाँ पर ये हो ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो होगी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, यानी वन अपान एक्स डी एक्स प्लस वन अपान वाई डी वाई और माइनस वन अपान जेड डी जेड की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, डी एक्स के साथ एक्स है और डी वाई के साथ वाई है और डी जेड के साथ जेड है, तो लिख देते हैं इसको इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेशन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, वन अपन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपन वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा, माइनस वन अपन जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो आपको मालूम है, चूँकि वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग एक्स होगा और वन अपन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई आएगा और वन अपन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर सारी जो सभी लॉग के फार्म में आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में ज़ीरो जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन जो है वो, यानी पूरा इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसे लॉग के फार्म में यानी लॉग सी टू ऐड करेंगे, सी वन हो चुका था सी टू है ये, तो लॉग ये यहाँ पर सी टू हो गया। आपको मालूम है लॉग कई बार हो तो आप उसको एक बार लिखें, और जो प्लस में है उसको तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दें, और जो माइनस में उसको हम ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड में सी टू है और दोनों साइड में जो है वो लॉग लगा हुआ है, एंटी लॉग लेने पे लॉग हट जाएगा तो हमको मिलेगा एक्स वाई अपान सी सॉरी एक्स वाई अपान जेड इज इक्वल टू सी टू, ये हमारे पास जो रिलेशन अभी आया है, और एक इससे पहले जो रिलेशन आया था वन अपान एक्स माइनस वन अपान वाई इज इक्वल टू सी वन, इसे अभी इक्वेशन नंबर थ्री डाल दें, और जो भी लास्ट में आया था
तो उसे इक्वेशन नंबर हम लोग 4 डाल देंगे और इन दोनों को आप कंबाइन करके हम जनरल सॉल्यूशन जो हमसे पूछा गया था मांगा गया था उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज, जो इस फार्म में लिखा जाता है कोई भी फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन एफ ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं और C1, C2 इज इक्वल टू 0 की फार्म में इसको लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर फंक्शन एफ ले लेते हैं, चाहे आप फाई हो सकता है आंसर फाई में लिखा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप यहाँ पर कोई नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो C1 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से 1/x - 1/y है, कॉमा लगा दें। फिर इसके बाद C2 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर अभी लास्ट में निकली है वो है x/z। इस तरीके से हमें अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वा आखिर दावा नबिल आलमीन।